आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाता नहीं है। तो गाइज, मैं आपका आधार कार्ड लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम 100% ठीक कराऊंगा, ठीक है। जो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वो फॉलो करो और आपका 100% अपडेट होगा, क्योंकि यार भाई का गारंटी है और बहुत लोगों का कराया हूँ और बहुत लोगों का कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ आइडिया, कुछ स्टेप बता रहा हूँ, उसको ज़रूर फॉलो करके चलना, ठीक है। जो मैंने बताया था आधार कार्ड लिमिट क्रॉस में, लिमिट क्रॉस हो गया है आपका, तो उसके लिए आपने अगर बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी बनवाना है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है उसको, और ये घोषणा पत्र है जो कुछ ऐसा है, इसको फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको फिल करके अगर आपने बायोमेट्रिक अपडेट करा लिया है, इसको फिल करके इसको ही मैच कराना है। जब बायोमेट्रिक अपडेट कराओगे आप, तो अपने घोषणा पत्र को, और ये बर्थ सर्टिफिकेट को मैच करा के, मतलब स्कैनिंग कराना है आपको। जो आपका बायोमेट्रिक अपडेट करेगा उसको बोल दीजिएगा इसको मैच कीजिए, और घोषणा पत्र को भी और डेट बर्थ सर्टिफिकेट को भी, ठीक है। मैच करेगा फिर आप वो इनरोलमेंट अपडेट कराना, ठीक है। बायोमेट्रिक अपडेट तभी कराना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, कि वो ईमेल करना है, ठीक है। और वो ईमेल जो करोगे ना आपका, और वो जो आप अपडेट कराओगे घोषणा पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट मैच करा के, तो ही आपका जो आधार का प्रोसेस होता है वही प्रोसेस पे रहेगा। अगर आप मैच नहीं कराते हो तो एक दिन में आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो भी मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप मैच करा के और फॉर्म के पीछे आप ये लिख देना मेल जो करोगे, कि आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस में जो मैंने मैच कराया है वो बर्थ सर्टिफिकेट और घोषणा पत्र मैंने मैच करा दिया है, और आप मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी मैच हो गया है घोषणा पत्र से, ठीक है। तो आप कृपया करें कि हमारा DOB अपडेट करा दें, ठीक है। तो ये होता है लिमिट, और ये जो आपका घोषणा पत्र है, ये जो आपका घोषणा पत्र है, यही आपका सोच लो एक कंप्लेन है और एक फॉर्म है जो आपका आधार कार्ड लिमिट क्रॉस ठीक कराएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉलो करना है और 100% आपका ये अपडेट होगा तो होगा। बस ये स्टेप पूरा कर लो, और मैं कुछ आपको इस वीडियो में कुछ सुनाने वाला हूँ। ये वॉइस रिकॉर्ड मेरे भाई को, मैंने एक भाई हैं मेरे, उनको बोला था, वही सही सेम किए हैं, और बहुत लोगों का हो चुका है। जो अगले वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें दे सकते हो, वो लोग भी ऐसे यही फॉलो किए हैं, जिसका अपडेट हो रहा है सब यही फॉलो किए हैं। मैच करा के ईमेल करना है, ठीक है। मैच करा के ईमेल करोगे तो आपका प्रोसेस पे रहेगा, और एक डेढ़ महीने में आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप वाइज जरूर, पूरा जरूर सुनना वाइज, क्योंकि बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है और बहुत ही इससे लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो एक एक बात आप समझ जाओगे, पूरा वाइज सुनना तब, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कि जब आप मेल कर देते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको चेक करते रहना है 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, जो बायोमेट्रिक अपडेट वाला स्लिप है उसी से आप चेक कर लोगे, प्रोसेस बताएगा, ठीक है। तो ये ऐसा आपको करना है, और 100% है, आपका गारंटी दे रहा हूँ मैं कि लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये एडवाइस सुनो, और अगर कुछ पूछना है आपको तो कमेंट में पूछ सकते हो, या बातें करनी है तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। और मैं घोषणा पत्र जो है आपको अपने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, एक वीडियो में और दिया हूँ, जाके डाउनलोड करो यार, मैं किसको भेजूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, नहीं तो रात भर जो सोते नहीं होना चैन से, खाना पीना हराम हो गया है लिमिट क्रॉस के वजह से, वो ऐसा ही रहेगा अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे पूरा। तो ये वीडियो देखो, प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो होगा। हाँ भाई बताइए। हेलो। हाँ साहिल भाई। हाँ ठीक है, थोड़ा आप ये बता दीजिए कि आपको अटैच कैसे कराना है, और स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, ठीक है, और बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे मैच कराया है आपने, क्या क्या प्रोसेस, या जो भी प्रोसेस है पूरा बताइए।
देखिए मैं भी जो है ना, मतलब जो है जैसा आप करते थे मेल वगैरह, मैंने भी किया ऐसा देखा तो, मतलब जो है उसके बाद फिर जो है कुछ दिनों के वेट किया, 1-2 दिन वेट किया, फिर मैं जो है अपने रीजनल ऑफिस कॉल किया, तो उन्होंने बोला है कि मतलब जो है आपने कैसे इसको करवाए हो। तो जब मैंने बताया कि सर मैंने जो है आधार कार्ड सेंटर पे जाता हूँ, तो वहाँ पे जो है ना अपना बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेके, तो वहाँ पे जब लेके जाते हैं तो वहाँ पे ओनली जो है ये बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन कर लेते हैं वो लोग। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा नहीं कराना है आपको, इसकी एक PDF फाइल बना लेनी है, मर्ज फाइल, जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट को अटैच करके दोनों को। तो मैंने जो है हाँ, यहाँ पे फिर गए एक बार वहाँ इंट्रोलमेंट सेंटर पे, तो फिर जब वहाँ पे गए तो हम उन्होंने उनसे उन लोगों से बताया कि सर ऐसी सी बात है, वहाँ से रीजनल ऑफिस से मैंने कॉल किया था, वहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं वो लोग कि ऐसा इसको करो। तो उन लोगों ने बोला कि देखो हमारे समझ में नहीं आएगा ये। तो मैंने सोचा चलो अच्छा ठीक है, तुम अपनी मर्जी से जैसा करना हो वैसा कर दो। तो फिर उन्होंने हमारी बर्थ सर्टिफिकेट लेके फिर वो मतलब जो है बायोमेट्रिक स्कैन कर लिए मेरा। तो उसके बाद जो है ना, फिर वो दूसरे दिन मैंने स्लिप चेक किया तो फिर रिजेक्ट में दिखा रहा है। फिर उसके बाद फिर मैंने कॉल किया कि सर जो है अभी आज को मैंने गया था आधार कार्ड सेंटर पे, तो जो है उन्होंने फिर हमारी बार सर्टिफिकेट ओनली स्कैन किए थे, इसको स्कैन किए ही नहीं ना, तो इसको कुछ किया, ये तो हमारे हाथ में ही केवल था। तो मैंने जो है बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि आप जो है रीजनल ऑफिस आ जाओ। तो मैं जो है मैंने बोला कि क्या मैं रीजनल ऑफिस आ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे आने से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेल कर सकते हो हमको। तो मैंने सोचा कि अब हमको टेंशन बढ़ती जाती थी इसके हाँ लिए, हाँ इसमें टेंशन बढ़ती हाँ जाती है यार, ये ना टेंशन बढ़ती थोड़ा जाती रहती थी कि आराम मतलब जो है हमारा काम कैसे होगा, काम कैसे होगा। तो मैंने जो है शनिवार था, शनिवार को जो है मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। तो मैंने कहा कि यार आज अपॉइंटमेंट ले लिए मैंने वहाँ रीजनल ऑफिस लखनऊ का अपॉइंटमेंट। हाँ, तो जब वहाँ का अपॉइंटमेंट ले लिया तो मैंने सोचा आज सोमवार, आज शनिवार है, आधार का मतलब वहाँ पे एक ब्रांच दिए हैं रीजनल ऑफिस ने, एक ब्रांच रतन स्क्वायर में दिए हैं, जहाँ पे पासपोर्ट बनता है वहाँ पे आधार कार्ड भी बनता है, दोनों चीज एक ही बिल्डिंग में होता है। तो मैंने जो है शनिवार को लिया था, तो शनिवार को अपॉइंटमेंट जो है मिल गया था हमको। तो मैंने जो है उस दिन रीजनल ऑफिस देखा गूगल पे, तो रीजनल ऑफिस क्लोज दिखा रहा था शनिवार को। तो मैंने सोचा, हाँ तो मैंने सोचा कि मतलब जो है आज शनिवार है, अगर जाएंगे तो मान लो तो वहां पे बायोमेट्रिक तो स्कैन कर लेंगे वो लोग, और रीजनल ऑफिस जाएंगे तो वहां पे कुछ काम भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने जो है ना अपना डेट जो है अपॉइंटमेंट की बढ़ा दिए थे, मैनेजमेंट कर लिए थे सोमवार को, ठीक है। हाँ, जब मैंने सोमवार को अपनी मैनेजमेंट डेट कर लिए, तो जब वहां पे मैं सीधे डायरेक्ट पहले यहाँ से गया लखनऊ, अपने गांव से लखनऊ, हाँ लखनऊ जब गया वहां पे, तो उसके बाद वहां से रीजनल ऑफिस गए डायरेक्ट हम। उसके बाद जब रीजनल ऑफिस गए तो मैं, हमारे पास 1-2-3 स्लिप पड़ी थी रिजेक्ट वाली, जो यहाँ पे करवाते थे गांव में। तो जब वहां पे हम पहुंचे तो अपनी स्लिप दिखाए, तो वो गार्ड बोला कि मेरे को क्या आप जो है ये मतलब जो है बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को दोनों को स्कैन करवा के अपलोड करवाए हो, बायोमेट्रिक करवाए हो? तो मैंने बोला सर वहाँ पे तो जो है जब हम जाते थे अपडेट करवाने को, तो वहाँ पे सिर्फ जो है मेरा बर्थ सर्टिफिकेट लेके स्कैन कर लेते थे, इसको लेते ही नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि जो है ऐसा करो, हमारे मतलब जो है आधार कार्ड सेवा जो है सेंटर वहाँ पे है रतन स्क्वायर बिल्डिंग में, वहाँ पे जहाँ पे आप पासपोर्ट भी बनता है। तो मैंने वहाँ पे जब फिर मैंने, अच्छा हुआ मैं डेट लेके गया था कि मेरा काम हाँ हो जाएगा। हाँ, सबसे अपॉइंटमेंट नहीं अच्छी लेके बात जाना तो, पड़ेगा, अगर सबसे अच्छी अपॉइंटमेंट बात, नहीं लेके हाँ गए होते तो आपको वापस आना वापस आना पड़ता, फिर हमें दूसरे दिन जाना पड़ता। पड़ेगा। तो हम, अच्छा हुआ कि अपॉइंटमेंट लेके गए थे, जब हम फिर वहां से रिटर्न हुए। और भाई देखो, तो जो खर्चा लगा वो तो ठीक है ही है, काम अपना होना चाहिए। हाँ उसके बाद फिर हम वही बात फिर वहां से वापस होके आए अपना रतन स्क्वायर बिल्डिंग में, तो वहां पे हमारा 12, 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो लगभग 10:30 बज रहे थे। तो
तो जो है मैं मैडम थी वहाँ पे सिक्योरिटी थी, तो उनसे बोला कि मैडम हमारा 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट है। उस दिन कोई अधिकारी जो है खत्म हो गया था कहीं का, बड़ा बड़ा अधिकारी सोमवार को। हाँ, तो वहाँ उस दिन भीड़ कम थी, तो हमने जो है ना उस दिन पहुंचे जब वहाँ पे 10:30 बजे, तो वहाँ पे दिखाया कि मैडम हमारा जो है 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, अंदर जा सकते हैं। तो बोला कि मैडम बोली नहीं अभी तुम रुको। तो फिर कुछ उसके बाद 10 मिनट वेट किया, तो पब्लिक नहीं थी कोई। हमने बोला कि हाँ, तो हम अपनी वो मतलब अपॉइंटमेंट दिखाया, तो मैडम बोलती है जाओ अंदर चले जाओ तुम। जब हम वहाँ पे अंदर गए तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और जो है मार्कशीट और आधार कार्ड और जो है सारा सब कुछ, सारा डॉक्यूमेंट्स दिया, तो सारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे मतलब मैच किए कि मतलब जो है बर्थ डेट ऑफ बर्थ सेम है ना सब में। तो जब मैंने दे दिया तो सारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे सेम डेट ऑफ बर्थ थी। तो उन्होंने मेरे मतलब जो है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए। उसके बाद हमको जो है टोकन मिला, फिर बोल दिए कि मतलब जाओ आप सी काउंटर 13 पे चले जाओ। तो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है आपका। तो मैंने कहा सर डेट ऑफ बर्थ जो है मतलब जो है डेट ऑफ बर्थ सही करवाना है। तो वो बोले ठीक है बेटा बैठ जाओ। जब मैंने वहाँ पे बैठे तो बोला कि कितने बार हो चुका है। मैंने कहा सर 2-3 बार करवा चुके हैं और सर इसके लिए जो है बहुत प्रॉब्लम है, हमारा काम भविष्य हमारा खराब हो जाएगा, ये वैसा वैसा बोला उससे। तो हाँ उनको रीजन बताए अपनी। उसके बाद फिर हमारी बर्थ सर्टिफिकेट लिया वो और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिया, तो वो जो दोनों को दे दिए। तो वो अपने से वो जो है दोनों को स्कैन किए। अच्छा, वही अटैच कराना है ना? अच्छा, हाँ, पहले अटैच कराया था कि अभी यहाँ पे अटैच होगा? वहाँ पे अटैच हुआ, वो उन्हीं ने अटैच कर लिए। उन्हीं ने अटैच करके, अटैच का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना, थोड़ा बता दीजिए अटैच का मतलब। अटैच का मतलब जैसा कि बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को दोनों को मतलब मैच करना है, दोनों को मतलब जो है आपस में जोड़ना है कि हम ये चीज प्रूफ दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम जब दोनों लगाएंगे तो हमारा काम होएगा, अगर दोनों नहीं लगाएंगे तो हमारा काम होएगा ही नहीं। कितने भी बार मेल करो होने वाला है ही नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र इसीलिए निकाला गया है कि इसके साथ में अटैच करके लगाओगे ना तो उसके बाद लाइफ में कभी भी आप डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करवा सकते फिर। जी, ये 5 तारीख से अभी अपडेट आया है ये। हाँ हाँ, जब हम वहाँ गए तो हम जो है मतलब जो है ये नियम तो 17 जुलाई को ही आ गया था, लेकिन जो है अपने लोगों को 5 अगस्त को जो है ये मिला था। हाँ, अपने पास। हाँ, तो जो वो उनको दोनों दे दिए, तो वो दोनों जो है अपना स्कैन करके अपलोड किए। मैं डेट अपने एक हमारे तरफ डिस्प्ले था, एक उनके तरफ डिस्प्ले था, तो मैं जो है अपने डिस्प्ले में देख रहा था, तो डिस्प्ले में स्कैन कर लिए। स्कैन करने के बाद दोनों को अटैच फाइल बना के अपलोड कर दिए। ठीक है, उसके बाद जब अटैच हो गया वहाँ पे, तो हम उनसे बोले सर इसको जो है स्कैन किए थे ना दोनों को मिला के, तो बोला कि हाँ भाई हो गया है तुम्हारा, आप जाओ अब अपने जो है रीजनल ऑफिस को मेल कर दो। तो जब मेरे को रिसीविंग मिला ना, तो मैंने जो है अपने रीजनल ऑफिस जो है कॉल किया। अच्छा। तो कॉल किया रीजनल ऑफिस जो है, उनसे पूछा कि सर हम जो है यहाँ रतन स्क्वायर आधार सेवा केंद्र पे आए थे, हम जो है मतलब जो है इसको बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लगा के स्कैन करवा चुके हैं, अब इसको हम क्या करें। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम अपने उस पे जो है बर्थ सर्टिफिकेट उस पे रिसीविंग पे लिख दो कि मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और जो है बर्थ सर्टिफिकेट को लगा के स्कैन करवा लिया, अपलोड करवा दिया हूँ, और अब हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है सही करने की महान कृपया करें। इतना मैंने उस पे लिख के फिर उनको यही इतना सिर्फ मेल कर दिया। और उसके बाद मेल करने के बाद और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट था, आपको बायोमेट्रिक अपडेट वाला स्लिप मिला ही होगा? हाँ वही, हाँ, वही बायोमेट्रिक स्लिप उसी पे लिखा था, पीछे उसके पीछे ही लिखे थे? नहीं, उसके पीछे ना, उसी पे मतलब जिस तरह फोटो रहता है ना उसी तरह, मतलब कि खाली जगह रहता है ना उसी पे लिख दिया था बड़े बड़े अक्षरों में थोड़ा सा, इसलिए उस पे लिखवाया था कि जब जेई हाँ आपका होगा ना तो उसको दिखेगा। हाँ हाँ,
करा लिया कि हाँ जब वहाँ पे देखेंगे वो लोग तो उनको मालूम पड़ जाएगा हाँ कि ये बंदा जो है अटैच करवा चुका है दोनों को, तो हम उनको मेल कर दिए। फिर उसके बाद जो है ना हम अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट और हाई स्कूल की मार्कशीट और जो है मतलब आधार कार्ड, ये तीन चार चीज डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी करा के ले जा के रीजनल ऑफिस जमा कर दिए। वहां पे जमा करने के बाद जब हमसे उनसे उन्होंने उनसे पूछा कि मतलब सर कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने बोला है कि 15 से 15 डेज से 30 डेज लग जाएगा, मतलब 1 महीने से 15 दिन से 30 दिन लग जाएगा। हमने कहा ठीक है, फिर हम वहां पे दे के अपना चले आए। जब मैंने हाँ वहाँ पे दे के अपना घर चले आए, फिर दूसरे दिन अपना कंप्लेन किए 1947 पे, तो उनसे जो है उन्होंने हमारा जो है ये एनरोलमेंट नंबर URA नंबर पूछा, तो हम अपना नंबर बताए तो उन्होंने बोला है कि मतलब आपका जो है अभी प्रोसेस में चल रहा है, आप 15 से मतलब 20 दिन में 30 दिन का इंतजार करो, मतलब महीने का टाइम दीजिए आपका, देखिए 1 महीने 5 दिन 1 महीने के अंदर में हो जाएगा। हाँ हाँ, तो हमको बोला है कि मतलब इतना दिन आप वेट कीजिए आपका हो जाएगा। हमने कहा ठीक है मैडम। फिर उसके बाद सर यही इतना प्रोसेस था बस। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए, देख लो कि मतलब जरूरी है अटैच कराना, कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं, तो मैंने 10 बार मेल किया है, अटैच करवाना तो ही जरूरी है, जब तक अटैच नहीं होगा नहीं काम हो पाएगा किसी का भी हो, कितना भी मेल करो मेल से रिप्लाई नहीं आने वाला। अगर आप अटैच करवा के मेल करते हो, उस पे लिख के मेल करते हो, तो आपकी स्लिप रिजेक्ट में नहीं होएगी। वही बात है, आप अभी भी चेक करोगे तो आपका प्रोसेस में दिखा है। हम अभी भी आज भी चेक किए तो हमारा आज भी प्रोसेस में दिखा रहा है। तो आप अपना स्लिप मुझे भेज दीजिएगा, मैं चेक करते रहूंगा, ठीक है, जैसे हो जाएगा आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको स्लिप अपनी भेज दूंगा सर। इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।